बाइनरी विजन इज इरेगुलर, इरेगुलर ये ऑब्लिगेट होता है, क्या होता है ऑब्लिगेट, इज बाइनरी विजन इज इरेगुलर या ऑब्लिगेट होगा, कैसे होगा? अभी याद रखना इसका कौन सा होता है ऑब्लिगेट या इरेगुलर होता है। अब देखिए डायग्राम के थ्रू बनाएंगे इसमें इरेगुलर क्यों बोला गया। ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है, यहां पे ये इसका साइटोप्लाज्म है। अब अमीबा क्या करेगा, अमीबा डिवाइड होने की कोशिश करेगा। देखिए ये अपने बॉडी को इस तरह से बीच से थोड़ा श्रिंक करेगा और अपने न्यूक्लियस को थोड़ा लंबा कर लेगा इस तरह से, लाइक दिस। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहां पे न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, न्यूक्लियस डिवाइड। तो न्यूक्लियस जो डिवाइड हुआ ना, यहां पे न्यूक्लियस दो पार्ट बन गए। ये न्यूक्लियस डिवीजन होने को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुई, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिवीजन होगी यहां पे। अब क्या करेगा, अब ये अमीबा जो होता है बीच से डिवाइड हो जाएगा यहां पे, यानी अब ये इस तरह से डिवाइड हो जाएगा यहां पे, लाइक दिस। अब ये क्या होगी, ये यहां से साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, इसी बात है साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस का मतलब डिवीजन, साइटोप्लाज्म की डिवीजन, उसे बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। तो ये क्या बनेगी, ये बनेगी टू डॉटर अमीबा, टू डॉटर अमीबा। राइट, ये क्या बने, टू डॉटर अमीबा बने यहां पे। अब यहां पे आप पिक्सी देखोगे, इसकी सिमेट्री फिक्स नहीं होती है। अब इसको इरेगुलर क्यों कहा गया, इसको इरेगुलर इसलिए कहा गया क्योंकि ऐसे भी टूट सकता है, ये ऐसे भी डिवाइड कर सकता है, ये इस एंगल से भी डिवाइड कर सकता है, ये ऐसे भी डिवाइड कर सकता है। तो ये किसी भी पॉइंट से डिवाइड कर सकता है क्योंकि इरेगुलर शेप में होता है, इसी कोई पर्टिकुलर शेप होती ही नहीं है, इसी कारण से इसको ऑब्लिगेट या इरेगुलर बाइनरी डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इसे कोई सिमेट्री होती नहीं, ये अनसिमेट्रिकल डिवीजन होता है। राइट, तो यहां पे देख रहे हो, तो ये टू डॉट में, तो ये है बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, इन अमीबा। राइट, अब हम आगे लिख सकते हैं, बाइनरी फ्यूजन में ही अमीबा के बारे में, अमीबा डिवाइड अनसिमेट्रिकली, अमीबा क्या करता है, अनसिमेट्रिकली डिवाइड करता, कोई सिमेट्री नहीं होती, और इसी कारण से कहते हैं इरेगुलर और ऑब्लिगेट बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, इसी वजह से कहा गया इरेगुलर या ऑब्लिगेट बाइनरी फ्यूजन, क्योंकि अनसिमेट्रिकली डिवाइड करेगा। और जो सेकंड इसके अंदर और एग्जांपल हम देंगे यहां पे, अमीबा के अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं बाइनरी फ्यूजन करते हैं। आगे हम पैरामीशियम का देखते हैं, पैरामीशियम या पैरामोशियम डिवाइड ट्रांसवर्सली बाइनरी फ्यूजन। तो पैरामीशियम क्या करता है, ट्रांसवर्सली बाइनरी फ्यूजन करता है,
यानी इसमें जो सिमेट्री होती है वो कौन सी होती है, ट्रांसवर्स सेक्शन से होगी। कैसे होगी, लेट्स सी, ये था पैरामीशियम, ये होते हैं सीलियस के राउंड में, ये इसके अंदर एक न्यूक्लियस, एक स्मॉल न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस मिलेंगे इसके अंदर। तो ये क्या करता है, ये पैरामीशियम, ये पैरामीशियम इस सेक्शन से डिवाइड होना शुरू करेगा इस सेक्शन से, क्योंकि ये जो सेक्शन होता है ना, अगर मान लीजिए इस सेक्शन से डिवाइड हो रहा है इस सेक्शन से, तो ये सेक्शन ट्रांसवर्स सेक्शन कहलाता है। कौन सेक्शन होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे थोड़ा इधर से बीच से ग्रो बनेगी इस तरह से, देखिए यहां से पिच बनेगी इस तरह से, ये थोड़ी इस तरह ग्रो बनेगी, ये और इस तरह से बन जाएगा, काफी ज्यादा नजदीक आ जाएगा ये। इसके बाहर वाले सिलिया तो वैसे भी गायब हो जाते हैं, ये मैं वैसे बना रहा हूं, ये बीच से क्या करेगा, अल्टीमेटली ये टूट जाएगा, एक न्यूक्लियस यहां पे जाएगा, एक न्यूक्लियस यहां पे, अल्टीमेटली ये टू पार्ट में टूट जाएगा इस तरह से, लाइक दिस। तो ये बनेंगी टू डॉटर पैरामीशियम, पैरामोसी में पैरामीशियम, राइट। तो ये बाइनरी फिजन पैरामीशियम, बाइनरी फिजन इन पैरामीशियम, ये पैरामोसियम, राइट। अब बाइनरी फिजन जो इसमें होता है वो ट्रांसफर सेक्शन में होता है, ये जो सेक्शन है ना इस तरह टूट रहा है, ये ट्रांसफर सेक्शन कहलाता है। तो इसमें लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, पैरामीशियम डिवाइड ट्रांसवर्सली, राइट। कौन से सेक्शन में डिवाइड करता है, ट्रांसवर्सली सेक्शन में डिवाइड करता है, डिवाइड ट्रांसवर्सली सेक्शन, राइट। अब जो नेक्स्ट टाइप हम बनाएंगे इसके अंदर वो आता है यहां पे लॉन्गिट्यूडनल, बाइनरी विजन का यूग्रिना का हम शो करेंगे यहां पे, इसके अंदर आता है यूग्रिना लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्जिट्यूडनल या लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी विजन, अब देखिए इसका बाइनरी विजन कैसे होगा लॉन्गिट्यूडनली। ये होता पैरामीशियम, सॉरी ये होता यूग्रिना, इस पार्ट को कहते हैं गैलेट, जहां से फूड लेता है, यहां पे फ्लैजिला होता है, राइट। ये यूग्रिना है, तो ये क्या करेगा, ये यूग्रिना की बॉडी जो थी थोड़ी लंबी बनेगी यहां पे, ये फ्लैजिला यहां से गायब हो जाएगा, और ये गैलेट जो थोड़ा लंबा होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से, ये देखो गैलेट थोड़ा लंबा चला जाएगा यहां पे, क्योंकि ये जो सेक्शन है ना इस तरह डिवाइड करेगा, ये सेक्शन होता है लॉन्गिट्यूडनल कहलाता है, यानी इस तरह डिवाइड हो गए, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहलाएगा। और फिर आप आगे नेक्स्ट क्या देखते हो, आप आगे देखोगे इस तरह सेक्शन इसमें बन जाएंगे लाइक दिस, इस तरह सेक्शन बन जाएंगे, यानी नए, अब देखो नए गैलेट बन रहे हैं यहाँ पे, ये गैलेट टूटने की कोशिश कर रहा है,
फिर नेक्स्ट डायग्राम में आप क्या देखते हो, नेक्स्ट डायग्राम में कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, यहाँ पे ये टूट गई, तो ये टू डॉटर युग लेना है, टू डॉटर युग लेना, तो ये होता है बाइनरी फिजन इन युग लेना, ये है बाइनरी फिजन इन युग लेना। राइट right? और इसका जो सेक्शन होता है वो कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है। तो इसमें लिख सकते हैं यहां पे, युग्लिना डिवाइड लॉन्गिट्यूडनली, सो दैट इज अबाउट द बाइनरी फिजन। नेक्स्ट हम करते हैं।